राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गुलमोहर पार्क में दिवाली मेले का आयोजन किया गया। मेले में शिखा की कारीगरी के नाम से कलाकार शिखा अजमेरा के जरिए तैयार की गई वस्तुएं आकर्षण का केंद्र बनी। शिखा एक ऐसी उभरती उद्यमी है जो कला के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को लोगों के लिए खास बना देती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उभरती हुई महिला उद्यमियों को भी एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं। शिखास कारीगरी या शिखा की कारीगरी दिल्ली के गुलमोहर पार्क में आयोजित दो दिवसीय दिवाली मेले में कला, कारीगरी और कारोबार का अनूठा संगम। किंग साइज बेड के लिए डिजाइन और हाथ से पेंट किए गए तकिए के कवर, प्रकृति से आग और पानी के तत्वों को दर्शाते अग्निवर्षा की थीम वाले हाथ से पेंट किए गए जूते, व्यक्तिगत जीवन यात्रा का वर्णन करती हाथ से पेंट की गई साड़ियां और मफलर, साथ ही कंपनी के लोगों से सजी टाई और बॉस लिखी शर्ट और खूबसूरती से तैयार किए गए अन्य उत्पाद शिखास कारीगरी प्रदर्शनी में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते नजर आए। दरअसल ये पहल है उभरती उद्यमी और कलाकार शिखा अजमेरा का। शिखा की कारीगरी प्रदर्शनी का आयोजन हर साल होता है, जिसमें ट्रेंड से हटकर कुछ अलग पेश करने वाले उद्यमियों के उत्पादों को पेश किया जाता है। कुछ जो नए एंटरप्रेन्योर्स है और जो हम जैसे उभरते कुछ वुमेन्स जो है, जो प्रोडक्ट्स कुछ यूनिक से हैंड पेंटेड प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ जो भी यूनिक से आइटम बनाते हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मेरा प्रोडक्ट जो है वो थीमेटिक है, मेनली थीमेटिक हैंड पेंटिंग है। तो जब आप कुछ कोई फंक्शन के लिए, प्रोग्राम के लिए तैयार होते हैं तो ऑब्वियसली अपन चाहते हैं कुछ तो यूनिक अलग से दिखे, हटके दिखे, तो उसके लिए एक पर्सनल टच है इसमें, प्लस गिफ्टिंग भी है इसमें, ताकि जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसमें कुछ एक अपना सा या एक अपने इमोशंस होना चाहिए जब हम किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं। तो बस वो नज़रिए से और वो सोच के ही ये कुछ गिफ्ट्स बनाए हुए हैं। डिजिटल प्रिंटिंग प्रभुत्व वाली दुनिया में शिखास कारीगरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से शिखा अजमेरा अपने चुनिंदा ग्राहकों की अनूठी जरूरतों के अनुरूप हाथ से पेंटिंग और उत्पादों को डिजाइन करके खुद को कुछ हटकर पेश करती हैं। उनका दावा है कि वे कला के माध्यम से लोगों की भावनाओं और उनके विचारों को अपने उत्पादों पर दर्शाकर उनके लिए खास बना देती हैं। इसीलिए उनके द्वारा तैयार किए गए गिफ्ट आइटम और हैंड पेंटेड प्रोडक्ट लोगों को खूब पसंद आते हैं। यूथ को भी जो है ना कुछ तो ट्रेंडी सा, हटके और कुछ डिफरेंट सा, यूनिक सा चाहिए होता है पहनने के लिए, सबसे अलग दिखे, हटके दिखे टाइप्स में। तो बस और जो उनके दिमाग में होता है तो मैं वही थोड़ा बहुत मेरे पेंटिंग से अपने प्रोडक्ट्स में उतारने की कोशिश करती हूँ। शिखास कारीगरी उत्पादों में जान फूंक देती है जिससे वे कलातीत और अविस्मरणीय बन जाते हैं। इस दो दिवसीय प्रदर्शनी में लोगों को उनके जरिए प्रदर्शित उत्पाद लोगों को खूब पसंद आए। बड़ा अच्छा यहाँ पे मेरे को कंसेप्ट लगा शिखास का, कि ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड आर्ट है इन द सेंस कि मतलब, तो जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आया था मेरे को संतोष और शिखा ने बताया था अपने आर्ट के बारे में, एज इन फॉर एग्जाम्पल अ स्टोल जो कि उसमें पूरा एक लाइफ लाइन बना हुआ किसी का। तो इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट जहाँ पे आर्ट को एक पर्सनलाइज फॉर्म देगी, यू कैन गिव इट एज अ गिफ्ट। जो यहाँ इनके सामान है उस पर जो उन्होंने पेंटिंग की हुई है, यानी उसका उन्होंने जो लोगों की पसंद उसको पर्सनलाइज कर दिया है, कि अगर आपको कोई सामान, कोई आपने कपड़े पहने हैं, कोई आपने बेडशीट है या पिलो कवर है या शूज़ हैं, उनको आपने लेना है तो उसको आप पर्सनल टच देके उस पर एक पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये जो शिखा जी का अपना एक उनकी एक हॉबी है कि किसी चीज़ को उसको हम आर्टिस्टिक वे में, यानी जो हमारी एक तो कला, क्योंकि कला हमारा जो एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा माध्यम है, तो उन्होंने उस कला को, उस एक्सप्रेशन को उन्होंने दिखाया कि हम उसको कमर्शियल कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उस वस्तु को जो हमें पसंद है उसको हम कला के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत चीज़, यानी उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है और जो हैंड पेंटिंग किया हुआ है वो बहुत यूनिक है, जो डिजिटल अभी चल रहा है उससे बहुत बहुत ज़्यादा यूनिक है। शिखास कारीगरी जहां कला को रोजगार से जोड़कर आगे बढ़ाने का माध्यम है, तो वहीं कलात्मक प्रतिभा वाली वंचित लड़कियों और महिलाओं के लिए रोजगार सृजन का भी बड़ा जरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो अभी आपने देखी कला, कारीगरी और कद्रदानों से जुड़ी हमारी ये खास खबर, और इसके साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। हमें हमारी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।